और पाकिस्तान के बीच हो रहे दूसरे मुकाबले में शोएब मलिक ने शानदार बल्लेबाजी की और अपना वनडे कैरियर का 43वां अर्धशतक पूरा किया। मैं आपको बता दें, इससे पहले पाकिस्तान ने अपने 3 विकेट गंवा दिए थे, लेकिन उसके बाद कप्तान सरफराज अहमद और शोएब मलिक ने शानदार वापसी की। आपको बता दें, पाकिस्तान ने 148 रन 3 विकेट खोकर बना लिए हैं और अभी भी क्रीज पर शोएब मलिक और सरफराज अहमद मौजूद हैं। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान के 3 बल्लेबाज आउट हो गए थे। 3 विकेट गंवाने के बाद ऐसा लगने लगा था पाकिस्तान अब वापसी नहीं कर पाएगा, लेकिन पाकिस्तान ने फिर से अच्छी वापसी की है। अब देखना होगा पाकिस्तान इंडिया को कितना लक्ष्य देता है। तो आप भी अपनी नजरें हेडलाइन स्पोर्ट्स पर जमाए रखिएगा। खबर को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ ही हमारे चैनल को अभी फ्री में सब्सक्राइब कीजिएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप भी अगर क्रिकेट के शौकीन हैं तो हेडलाइंस स्पोर्ट्स को बिल्कुल फ्री में अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्रिकेट की सबसे तेज खबरें यही मिलेंगी।